अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, खैर व आफियत वाली ज़िंदगी दे। आप सब जहाँ भी हैं, कहीं भी हैं, अल्लाह ताला आप सबकी, हम सबकी तमाम मुश्किलें, बीमारियाँ, परेशानियाँ सब दूर कर दे, और अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज मैं आप सबके लिए बीफ चना पुलाव की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान और खुशबूदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बीफ चना पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले 1.5 किलो बासमती राइस लिए हैं। इनको आधे घंटे से भिगो कर रखा हुआ है, आधे से पौना घंटा हो गया है। और यहाँ पर मैंने 1.5 किलो ही बीफ का गोश्त लिया है, इनको बॉईल कर लिया है। तो मेरे पास गोश्त जो है हड्डी और चर्बी वाली दोनों है, मिक्स है, तो आप लोग जैसे मर्जी बना लें। यहाँ चने की क्वांटिटी मैंने कम ली है, बॉईल करके चने को भी रखा है, तो चने की क्वांटिटी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी सारे इंग्रीडियंट्स मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं, तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीडियो फुल वॉच कीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बीफ पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले आधा कप ऑयल डाल लेना है। ऑयल की क्वांटिटी मैं यहाँ पर कम रख रही हूँ, क्योंकि मैंने जब गोश्त बॉईल किया था तो काफ़ी ज़्यादा चर्बी जो है गोश्त के ऊपर आ गई थी, तो इस तरह से मैं यहाँ पर ये इस चर्बी को भी यूज़ करूँगी। आप लोग नहीं डालना चाहते बिल्कुल ना डालें, आप लोग इस जगह पर ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया है, यहाँ पर मैंने खड़े मसाले लिए हैं, तेज़पत्ते हैं, 2 दाना मैंने बड़ी इलायची लिया है, आधा खाने के चम्मच मैंने यहाँ साबित ज़ीरा लिया है, दालचीनी के टुकड़े हैं, बादियान के फूल हैं और 2-3 लौंग भी है, और आधा खाने के चम्मच ही मैंने यहाँ पर साबित काली मिर्ची ली हैं। इन सारे मसालों को यहाँ पर डाल के ऑयल में थोड़ा सा फ्लेवर देना है। बहुत मज़ेदार ये पुलाव बन रही है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और यहाँ पर देखें, मैंने 5 दरमियाने साइज़ के प्याज लेके इस तरह से कटिंग कर लिया है, प्याज़ों को भी यहाँ पर डाल देंगे और थोड़ा सा यहाँ पर प्याज को मिक्स कर लूँगी, उसके बाद ही मैं ये चर्बी ऐड करूँगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पर चर्बी को अलग से निकाल दिया था, गोश्त को मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिया था, तो यहाँ पर आप लोग चर्बी अगर नहीं डालना पसंद करते तो आप लोग इस जगह पे ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। 1 कप ऑयल डाल लीजिएगा, 1.5 किलो चावल के लिए बहुत है। तो अब यहाँ पर हमने प्याज को ब्राउन करना है, प्याज़ों को मैंने यहाँ पर लाइट ब्राउन कर लिया है। अब यहाँ पर टमाटर डालूंगी, सबसे पहले मैंने यहाँ पर टमाटर डालना है, 3 दरमियाने साइज़ के मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं, इस तरह से थोड़े मोटे मोटे से चॉप कर लिए हैं। टमाटर को एक दफ़ा मिक्स कर लें, और साथ ही मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, ये 2 खाने के बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, अच्छी तरह से साफ़ करके आप लोग डालें। अदरक लहसुन के साथ ही मैं यहाँ पर गोश्त को भी भून लूँगी, गोश्त को मैंने यहाँ पर प्रेशर में गलाया है, 25 मिनट के लिए मैंने यहाँ पर बीफ को गला लिया है अच्छे से, अच्छी तरह से यहाँ पर गोश्त गल चुके हैं। थोड़ी सी यहाँ पर गोश्त की भुनाई करूँगी और साथ ही यहाँ पर मैं नमक भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि गोश्त बॉईल करते वक्त मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, तो नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालिएगा। मैंने अभी आधा खाने के चम्मच नमक ऐड किया है। अब यहाँ पर थोड़ी सी भुनाई करेंगे गोश्त की, और साथ ही मैंने यहाँ पर पीसी मिर्चें ली हैं, ये मैंने 1 खाने के बड़े चम्मच पीसी मिर्चें ली हैं, हरी मिर्चें तेज़ वाली यूज़ कर रही हूँ, तो मिर्चें भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करें, और हाई फ्लेम पे ही हमने यहाँ पर गोश्त को तकरीबन 5 मिनट के लिए भून लेना है, उसके बाद बाकी की चीज़ें डालेंगे। गोश्त को मैंने यहाँ पर 5 मिनट के लिए भून लिया है मसालों के साथ, ये देखें गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। अब मैं यहाँ पर, यहाँ देखें, एक मग मेरे पास बड़े साइज़ का मग है, इससे मैंने 1 मग यखनी ली है, ये गोश्त की ही यखनी है, गोश्त को बॉईल किया था मैंने, ये उसकी ही यखनी है। तो यहाँ पर इसी मग से मैंने चावल को नापा है, ये 1.5 मग मेरे पास चावल हैं, तो 1 मग मैंने यहाँ पर यखनी डाल दी है और दूसरा मग मैं पानी का डालूँगी। ये देखें, दूसरा मग मैंने यहाँ पर भर लिया है, इसको मैंने यहाँ पर डाल दिया है, साथ ही मैंने बॉईल चने करके रखे हैं, इसको भी डाल लूँगी। चनों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लिएगा, ये तकरीबन आधा पाव चने हैं। अब यहाँ पर इनको डाल के अब यहाँ पर पानी में बॉईल आने देते हैं। पानी मुझे यहाँ पर कम लग रहा है, तो मैंने आधा मग और पानी लिया है, पूरे 2.5 मग मैंने पानी का यूज़ किया है, 1.5 मग मेरे पास चावल हैं, तो मैंने उसके हिसाब से 2.5 मग पानी का यूज़ किया है। पानी का क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, अगर आप लोगों को चावल खिले खिले बनाने हैं तो पानी की परफेक्ट क्वांटिटी मैंने बता दी है। तो चले पानी में बॉईल आने देते हैं। पानी में यहाँ पर बॉईल आ चुका है, तो चावलों का पानी मैंने यहाँ पर निकाल लिया है, अच्छी तरह से आप लोगों ने चावलों का पानी निकाल लेना है, उसके बाद ही आप लोगों ने चावल ऐड करने हैं, क्योंकि चावलों के पानी में स्टार्च होता है चावलों का, तो उस तरह से चावल गीले हो जाते हैं, तो आप लोगों ने अच्छी तरह से पानी निकाल के बिल्कुल फिर चावल ऐड करने हैं। तो यहाँ पर मैं नमक ऐड करूँगी, पूरे चावल में मैंने यहाँ पर 3 खाने के चम्मच नमक ऐड किया है, यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर मेरे पास आधा खाने का चम्मच मैंने पहले ऐड कर दिया था, और यहाँ पर 2.5 खाने के चम्मच रह गए हैं, तो 1.5 किलो चावलों में मैंने 3 खाने के चम्मच नमक यूज़ किया है। अब इसे एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लें आप लोग, उसके बाद इसे हाई फ्लेम पर ही पकने के लिए छोड़ देना है, पानी ड्राई होने तक। चले,
अब आप लोगों ने चावलों को बार बार नहीं चलाना, नहीं तो चावल टूट जाएंगे। अब इस तरह से कवर करके इसे पकने दें हाई फ्लेम पे। चावल जो है यहाँ पर पकना स्टार्ट हो चुके हैं, पानी भी तकरीबन यहाँ पर ड्राई हो चुका है। अब हमने यहाँ पर मसाले ऐड करने हैं। यहाँ पर जायफल जावित्री ली है मैंने, 2 से 3 टुकड़े मैंने जावित्री के लिए थे, और एक छोटे साइज़ का जायफल लेके इनको बारीक बारीक सा कूट लिया है मैंने। बहुत अच्छी खुशबू आएगी, आप लोग पुलाव में इसे लाजमी ऐड कीजिएगा। और यहाँ देखें मैंने होममेड गरम मसाला लिया है 1 खाने के चम्मच, इसे भी आप लोगों ने लाजमी डालना है। तो यहाँ पर आप चावलों को हल्के हाथों से हमने मिक्स करना है, और बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी मैं यहाँ पर साथ ही डाल दूँगी। ये देखें मैंने 2 छोटे साइज़ के लेमन के स्लाइस लिए हैं, हरी मिर्चें लिए हैं इस तरह से कट्स लगा लिए हैं, और धनिया और पुदीने के हाफ धनिया की गुट्टी ली है और पुदीना की फुल गुट्टी ली है। तो आप लोग धनिया को स्किप भी कर सकते हैं यहाँ पर। अब हल्के हाथों से चावलों को आप लोग यहाँ पर मिक्स कर लें, और उसके बाद हमने पानी थोड़ा सा और ड्राई हो जाए उसके बाद चावलों को दम लगा देंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से आप लोगों ने साइडों से चम्मच चलाना है ताकि चावल जो है टूटे ना। ये देखें हाई फ्लेम है, अभी मैंने यहाँ पर हाई फ्लेम पे ही चावलों को पका रही हूँ। मैंने यहाँ पर मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसी तरह से ही खोल के मैंने इसका सारा पानी ड्राई कर लेना है, उसके बाद हम इसे दम लगाएंगे। चावलों का तकरीबन सारा पानी यहाँ पर ड्राई हो चुका है। आप लोग इसे हल्के हाथों से एक दफ़ा और ऊपर नीचे कर लें चावलों को, ताकि जितना भी पानी हो और अच्छे से ड्राई हो जाए दम में। तो यहाँ पर देखें बस हल्के हाथों से मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर फूड कलर ऑप्शन है, आप लोगों के पास डालना चाहें तो डाल दें। यहाँ पर मैंने फूड कलर में थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डाला है अच्छे से मज़ेदार से खुशबू के लिए, तो ये फूड कलर ऑप्शन है, इससे पुलाव और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे देखने में। तो यहाँ पर मैं अभी से कवर करके 10 मिनट के लिए यहाँ पर दम लगाऊंगी, मीडियम टू लो फ्लेम पे आप लोगों ने 10 मिनट के लिए इसे दम लगाना है। तो चलें 10 मिनट के बाद मिलती हूँ। 10 मिनट हो गए हैं, चावलों में यहाँ अच्छी तरह से दम लग चुका है। फ्लेम को मैं यहाँ पर ऑफ कर रही हूँ। देखिए माशाल्लाह से एक एक दाना खिला खिला सा है, बिल्कुल खिले खिले से पुलाव हमारे बनकर तैयार हुए हैं, और खुशबू तो बहुत ही मज़ेदार आ रही है। आप लोग इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें अब मैं इसे यहाँ पर सर्व करके फिर दिखाती हूँ। बीफ चना पुलाव की बहुत ही आसान, बहुत ही खुशबूदार सी रेसिपी मैंने यहाँ पर सर्व कर दी है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द आऊँगी एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।